गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस अबगड़िया बाल विद्या निकेतन। इन प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। टुडे वी आर गोइंग टू आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे आज, जो है गेटिंग टू नो प्लांट्स। अपन को प्लांट्स के बारे में जानना है, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन क्या होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। सो लेट अस लर्न अबाउट इट। Plants are usually grouped into herbs, shrubs, trees, creepers and climbers. Generally अपन बात करते हैं तो our school have many different varieties of plants. बहुत सारे plants होते हैं, अपन ने school में भी देखे हैं, garden में जाते हैं अपन तब भी देखते हैं। Few are tiny grasses, some bushes and tall trees. कुछ छोटे grasses भी होते हैं, उनसे बड़े plants भी होते हैं, और फिर जो tall trees आते हैं जैसे कोकोनट ट्री है वो भी होते हैं। तो हाउ कैन वी क्लासीफाई द ट्रीज और प्लांट्स, तो प्लांट्स को अपन कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि छोटे हैं बड़े हैं और बहुत टॉल ट्रीज भी होते हैं, तो हाउ कैन वी क्लासीफाई। तो उस क्लासिफिकेशन को जानने के लिए अपन इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो लेट अस लर्न अबाउट इट। प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स आर यूजुअली क्लासीफाइड और कैटेगराइज इन 5 कैटेगरीज, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। जो छोटे प्लांट्स होते हैं है ना, उनको हर्ब्स कहते हैं। देन उससे बड़े जो प्लांट होते हैं जिनका स्टेम थोड़ा वुडी होता है कंपेरिजन ऑफ हर्ब्स, तो वो होते हैं श्रब्स। देन जिनका स्टेम जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग और वुडी होता है, उसे अपन कहते हैं ट्रीज। क्रीपर्स क्या होते हैं? दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट ऑन द लैंड, वो सीधे खड़े नहीं रह सकते लैंड पे, तो वो क्या करते हैं? क्रीप करते हैं। क्रीप मीन्स कि ऐसे क्रीप करते हैं लैंड पे, ठीक है, वो क्रीपर्स होते हैं, क्रॉल करते हैं। और कुछ क्या होते हैं कि ऐसे क्रीप भी नहीं कर पाते, वो किसी दूसरे प्लांट का, जैसे कि कोई प्लांट है ना, यहाँ पर आए और इससे सपोर्ट लेकर के वो इस पर क्लाइंब कर जाते हैं, तो वो होते हैं क्लाइंबर्स। तो 5 कैटेगरीज हो गई प्लांट्स की, हर्ब्स हो गए, श्रब्स, देन ट्रीज, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, 5 कैटेगरीज हो गई, ठीक है। तो इन सबसे पहले अगर अपन बात कर लेते हैं, इन प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस 5th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि मान लीजिए प्लांट की अगर बात करते हैं, पार्ट्स की, प्लांट की, प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जनरली तो देखिए ये रूट होते हैं, ये ब्रांचेज हैं, ठीक है, इन ब्रांचेज पे फिर सब ब्रांचेज होती हैं, इन पे लीव्स होती हैं, ठीक है, फिर मान लीजिए ये फ्रूट्स होते हैं, फिर फ्लावर्स होते हैं, है ना, इसी पे, ठीक है, अब रफली देख रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट मेनली डिवाइडेड इनटू 2 सिस्टम, एक पार्ट क्या होता है अबोव द ग्राउंड, और सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है बिलो द ग्राउंड। अबोव द ग्राउंड जो पार्ट होता है प्लांट का उसे अपन कहते हैं शूट, ठीक है, या कहते हैं स्टेम। तो ये हो गया शूट सिस्टम। प्लांट्स कंटेन 2 सिस्टम, शूट सिस्टम एंड सेकंड इज रूट सिस्टम, ठीक है। अब रूट सिस्टम होते हैं बेटा, उसमें ओनली कंटेन द रूट्स, रूट कंटेन करती है, और शूट सिस्टम कंटेन सम ब्रांचेस, लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। सो रूट्स को छोड़कर एक्सेप्ट द रूट्स जो भी होता है वो सब कुछ कंटेन करता है शूट या स्टेम, ये प्लांट के मेन जो है वो पार्ट है, ठीक है। तो इनमें अपन बात कर रहे हैं स्टेम की, तो कुछ जैसे हर्ब्स होते हैं उनमें हर्ब में स्मॉल जो होता है स्टेम जो होता है वो सॉफ्ट होता है, ग्रीनिश होता है, वीक होता है ना, आसानी से वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। श्रब की बात करते हैं, थोड़ा वुडी होता है, थोड़ा सा वुडी होता है और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपेरिजन ऑफ हर्ब्स। ट्रीज जो होते हैं उनमें स्टेम वुडी होता है, बहुत सारा वुडी होता है और वो अनब्रेकेबल होता है, आसानी से नहीं टूटता, ठीक है। क्राइम्बर्स क्लिपर्स में भी वही होता है कि स्टेम जो होता है वो क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि भाई प्लांट जो है वो आते कहाँ से है, फ्रॉम वेयर डज ए प्लांट कम, कहाँ से आएगा प्लांट, ठीक है, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ए प्लांट कम्स फ्रॉम अ सीड, जो भी प्लांट होते हैं वो कहाँ से आते हैं, सीड से। सीड से क्या बनते हैं, पूरा प्लांट।
जब भी उनमें फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, फेवरेबल कंडीशंस मीन कि वाटर है, मिनरल्स हैं, ह्यूमिडिटी है ना, और मिनरल्स सब कुछ जो हैं उनके लिए क्या होते हैं, एकदम पूरे उनके लिए पर्याप्त मात्रा में होते हैं, है ना, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं, और ग्रो जो करते हैं प्लांट तब बनता है एक पूरा ट्री या प्लांट या हर्ब या श्रब जो भी है वो बन जाते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, फ्रॉम अ सीड, तो अ प्लांट कम्स फ्रॉम अ सीड, स्टार्ट करता है प्लांट कोई भी वो सीड से स्टार्ट करेगा, सीड में जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। अ सीड इज कवर्ड विद सीड कोट्स, कोई भी सीड होता है ना, जैसे ग्रैम अपन पढ़ते हैं, ग्रैम चना जो भी है ना, तो उस पर आउटसाइड जो लेयरिंग होती है ना, वो क्या होती है, सीड कोट, क्या होता है, सीड कोट होता है, ये तो पूरा जो भी है ग्रैम है, इसमें दो कॉटिलेडन होते हैं, दो पार्ट होते हैं, और ये आउटर साइड जो लेयरिंग होती है इसको कहते हैं सीड कोट। ये सीड कोट क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द सीड, ये सीड जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, द सीड कोट्स प्रोटेक्ट द सीड, सीड कोट है वो सीड को प्रोटेक्ट करने का फंक्शन करते हैं। अ सीड हैज अ बेबी प्लांट इनसाइड, इस सीड में अंदर ही क्या होता है, एक बेबी प्लांट होता है, जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो ये ग्रो करता है, ठीक है, सीड ग्रो करेगा। तो इस बेबी प्लांट की पर बात करते हैं कि कुछ पार्ट होता है, अ बेबी प्लांट हैज अ टीनी रूट टूवर्ड्स द आउटसाइड, यहाँ पर इस साइड में क्या होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स है वो बाहर निकलती है, टूवर्ड्स द आउटसाइड बाहर निकलती है स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को द टीनी रूट इज टर्म्ड एज रेडिकल, तो यहाँ से जो भी रूट्स निकलती हैं, ठीक है, उसको कहते हैं रेडिकल, क्या कहेंगे, रेडिकल, ये रूट ही है, इस रूट्स को क्या कहते हैं अपन, रेडिकल कहते हैं। फिर इसी सीड की अपन बात करते हैं, जो नया प्लांट बन रहा है बेबी प्लांट हैज़ अ टिनी शूट टूवर्ड्स इनसाइड, अब अंदर की तरफ कुछ शूट्स आते हैं, है ना, उस शूट को अपन टर्म करते हैं, उसको नाम देते हैं टर्म्ड एज प्ल्यूम्यूल, क्या नाम देते हैं उसको, प्ल्यूम्यूल, जो क्या बनाता है, शूट बनाता है, ठीक है, क्या बनाएगा, प्ल्यूम्यूल शूट बनाता है, रेडिकल रूट बनाता है प्लांट्स में, जब भी इनमें फेवरेबल कंडीशन आएगी तो शूट है वो ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है, और रूट जो है वो नीचे की तरफ मूव करती हैं। प्लांट जो है वो जनरली क्या है, इमूवेबल है, इमूवेबल है ना, प्लांट्स मूव नहीं करते, नहीं करते ना, करते हैं बेटा, प्लांट भी क्या करते हैं, मूव करते हैं, लेकिन इनमें जो मूवमेंट होता है वो होता है फिक्स्ड मूवमेंट, जैसे कि अपन बात करते हैं स्टेम की, स्टेम क्या करता है, मूव कर रहा है, स्टेम मूव करता है ना, छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है टूवर्ड्स द स्काई, टूवर्ड्स द सनलाइट, करता है ना, तो मूवेबल है, लेकिन जो मूवमेंट होती है प्लांट्स में वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। वैसे ही रूट्स है, रूट्स कहाँ जाती है, अंडर द ग्राउंड मूव करती है ना, बड़ी बड़ी रूट्स होती हैं, देखे हैं अपने, बहुत लंबी लंबी रूट्स हो जाती हैं, तो मूव करता है प्लांट बट फिक्स्ड मूव करता है, अपनी जगह से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे वो नहीं जाता, ठीक है, तो प्लांट भी क्या करता है, मूव करता है। तो ये पार्ट पढ़े अपन ने, प्ल्यूम्यूल होता है वो शूट बनाता है प्लांट में, ठीक है, और रेडिकल जो होता है वो रूट बनाता है सीड में या प्लांट्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके बाद क्लाइंबर्स क्रीपर हर्ब श्रब्स कैटेगरीज या क्लासिफिकेशन, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।